अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? मुझे पूरी उम्मीद है आप ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। अल्लाह ताला को अपनी ज़बान में रखे। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चावल आलू पुलाव। तो ये प्याज जो है ये ब्राउन हो जाएंगे, ब्राउन कर लेने हैं। तो उसके बाद फिर नमक और जो जो मसाले ऐड करने हैं वो डालेंगे हम। इस पे जायका लाल मिर्च आप जितनी डालना चाहें, मैं इस पे जायका जो है डालूँगा। प्याज जब ब्राउन हो गया तो लाल मिर्च डाल दी है। उसके बाद जो है लहसुन डाल देना है कुटा हुआ, थोड़ा सा उसमें पानी डाल के तो वो डाल देना है। आप इसमें और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, कुछ और मसाले अगर ऐड करना चाहते हैं तो। सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दिया, मैं जस्ट देसी स्टाइल में बना रहा हूँ। तो मतलब जैसे देहातों में सादा ही। तो आप और मसाले ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब डालना है नमक। नमक डाल के जो है इसको थोड़ी देर के लिए हमने मिक्स करना सारा मसाला। थोड़ी मिर्च भी जो है वो सफ़ेद मिर्च वो भी गल जाए। तो उसके बाद जो है आलू डाल देने हैं फौरन ही। ये मैं सब जल्दी जल्दी मसाला जो मिक्स कर लेता हूँ और उसके बाद आलू डालना है। आलू डालने के बाद इसमें जो है थोड़ा सा पानी डालना है ताकि आलू जो है अच्छी तरह पक जाए, गल जाए। आलू जो है वो बिल्कुल पक चुके हैं। अब हमने जो है इसमें पानी डालना है। जितने गिलास चावल हैं उससे जो है डबल पानी डालना है। अब मेरे पास 4 गिलास चावल थे तो मैं जो हूँ पानी डाल देता हूँ 6 गिलास। चावल मैंने पहले से भिगो के रख दिए हैं। पानी पूरा करने के बाद जो है ढक्कन बंद कर देना है। जब पानी उबल रहा हो तो फिर जो है चावल डाल लेने हैं। तो ये मैंने पहले से ही चावल डाल दिए हैं, पानी उबल रहा था। पानी जो जब पानी उबला तो चावल डाले। अब इसको जो अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर जो आपने ऊपर बंद कर देना, ढकना बंद कर देना है। तो थोड़ी देर के लिए जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है चम्मच इसमें हिलाते रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, देखें पुलाव का रंग और माशाल्लाह अच्छा ही है और चावल भी जो है नहीं टूटे। रहमानिर्रहीम जी, देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना वक्त ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखें।